सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और इसे खास ढंग से मनाने की तैयारी रही है। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के सभी सांसद कमल के फूल वाली टोपी पहनकर संसद भवन पहुंचे थे। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश मुख्यालय पर सुबह 9 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पार्टी की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक चलने वाली यानी कि 14 अप्रैल तक चलने वाले समरसता सप्ताह की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि स्थापना दिवस पर 135 बंदियों को रिहा किया जाएगा, जिसमें से 3 बंदी लखनऊ जिला जेल से रिहा होंगे। तो आज से 14 अप्रैल तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। 42वां स्थापना दिवस है आज बीजेपी का, जिसको लेकर कई तैयारियां की गई है। और आपको बता दें कि जब से बीजेपी का गठन हुआ, जब से बीजेपी पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, तब से अब तक यानी कि 42 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये कार्यक्रम इतने भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। सभी कार्यालय पर, जितने भी बीजेपी के कार्यालय हैं, वहां पे इसे खास तरीके से मनाया गया, ध्वजारोहण किया गया, साथ ही साथ भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और इसे खास मनाने के लिए काफी तैयारियां भी की गई थी। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया, 42वां स्थापना दिवस इसे खास बनाने की पूरी तैयारी की गई है, क्या कुछ देखने को मिला? जी शिखा, जब बात करें तो 6 अप्रैल 1980 आज के ठीक 42 साल पहले भाजपा का गठन हुआ था। इससे पहले वो जनसंघ के नाम से चलती थी। जनसंघ के खत्म होने के बाद, जनसंघ के भाजपा में विलय होने के बाद जो पार्टी की नई नाम भाजपा रखी गई, भारतीय जनता पार्टी, उसके आज 42 साल पूरे हो गए। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जो कार्यकर्ताओं का उत्सव बनाने की एक कड़ी तैयार हुई, वो प्रधानमंत्री के संबोधन से शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ भारत एक भारत का नारा दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि शून्य से और शीर्ष पे पहुंचने का भाजपा का ये समय रहा है, इसमें लगभग 42 साल लग गए। एक समय था कि भाजपा के मात्र 2 विधायक हुआ करते थे और आज के समय वो अपने सहयोगी दलों को जो सांसद और विधायक दिला रही है। उसी कड़ी में अगर बात की जाए तो भाजपा की तरफ से जो आज संबोधन में कहा गया है, जिसमें सुशासन दिवस के तौर पर अगर बात की जाए तो भाजपा के हर एक मंडल और जिलों में भाजपा के कार्यकर्ता जो थे, वो जिलाध्यक्ष की बात की जाए, और अनेक राज्यों में आज जो मुख्यालय है वहां पे झंडा फहराया गया। साथ ही साथ 42 साल के इतिहास में भाजपा पहली बार शोभा यात्रा निकाल ली है, जिस शोभा यात्रा में कार्यकर्ताओं के हाथ में भाजपा का झंडा होगा और वो जन जन तक जाएंगे और अपनी नीतियों को बताएंगे और अपने इस सफल जो राजनीति में उनके जो सत्ता में आसीन है आज 42 साल के मेहनत के बाद, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 6 अप्रैल से और 14 अप्रैल तक अंबेडकर जयंती तक सेवा सप्ताह मनाने जा रही है बीजेपी, जिसमें तमाम तरह के काम किए जाएंगे। कुछ कार्यकर्ता स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट करेंगे, तमाम जो नीतियां बनाई गई है, साथ ही साथ योजनाएं बनाई गई है, उस पर काम किया जाएगा। और कुल मिलाकर अगर देखें तो 4 दशक में भाजपा जिन ऊंचाइयों पे पहुंच गई है, इससे विपक्ष को एक बड़ी चुनौती है और इस पे टिके रहना भाजपा के लिए एक पदचिन्ह होगा। जी बिल्कुल विभांशु, अगर बात करी जाए अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उनके समय से आज योगी मोदी के समय तक जितने उतार चढ़ाव बीजेपी ने देखे, और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा राम मंदिर का बीजेपी में, इसको किस तरह से देखते, कौन कौन से और उतार चढ़ाव रहे हैं बीजेपी के, जिसके बाद अब ये बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बन गई है देश की? जी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में सरकार बनाई थी, जिसके बाद भाजपा पहली बार अस्तित्व में आई थी, और साथ ही साथ वो जो जनसंघ रही वो समर्थन दी थी, जो कि पुरानी गवर्नमेंट, चाहे बात की जाए मुरारजी देसाई, चाहे चौधरी चरण सिंह के, लेकिन उसके बाद 1980 में भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी बन गई हुई, उसमें 42 सालों में अगर आम जनता में बात की जाए तो सत्ताधारी से लेकर 31 सीट जीत सकी थी। 1980 में अगर बात की जाए तो भाजपा पहली बार 31 सीट जीती थी
और वहीं अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक अगर बात की जाए तो 1980 में जब पार्टी का गठन हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठन किया गया और वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और वहीं अगर 84 की बात की जाए तो 84 में मात्र 2 सीटें जीत पाई थी। और वहीं अगर बात की जाए भाजपा के इस गठन के बाद इस आज जो मुकाम पे इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का एक बड़ा हाथ रहा है, एक बड़ा रोल प्ले उसमें पेश किए हैं। और इसी के चलते आप देखिए कि वीपी सिंह की गवर्नमेंट में भाजपा के समर्थन के बाद सरकार बनी और वहीं 98 में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा पहली बार सरकार बनाई। और इस 42 साल की मेहनत में तमाम दिग्गज नेता जो उनके मार्गदर्शक मंडल में आज सम्मिलित है, चाहे बात की जाए लाल कृष्ण आडवाणी की बात की जाए, चाहे बात की जाए मुरली मनोहर जोशी की, चाहे इनके गुरुओं की बात की जाए, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की जाए, चाहे हेडगौर की बात की जाए, ये सभी के जो सपने थे जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको कहीं ना कहीं भारत भाजपा आज उसको सिद्ध करने में लगी हुई है। जिसका जी विभांशु, जिस तरह से बढ़ता जा रहा है वर्चस्व बीजेपी का, देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, सबसे ज्यादा विधायक और सांसद है इस वक्त बीजेपी के, तो क्या यही वजह है जो 42 साल बाद इतने भव्य तरीके से स्थापना दिवस पहली बार मनाया जा रहा है देश में? जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आज के समय में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज वाली पार्टी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये जो उनके पुरातत्व नेता है, चाहे बात की जाए मार्गदर्शक मंडलों की, उनके सालों से किए मेहनतों का फल है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पे पहुंची है। वहीं अगर बात करें शिखा 1996 में तो आम चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 161 सीटें निकाली थी और जिसके बाद पहली बार भाजपा 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, जिसके बाद वो महज 13 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया गया। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से कहा गया था कि ये पार्टियां आनी चाहिए जानी चाहिए लेकिन मगर ये लोकतंत्र रहना चाहिए और देश पहले रहना चाहिए, जिसके बाद 13 दिन की बाद सरकार से इस्तीफा देकर और वो 98 में फिर चुनाव जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बुजुर्ग नेता है भाजपा के, उनका कहीं ना कहीं मेहनत और पसीने जो लोगों के बीच लगाए, साथ ही साथ सक्रियता से हर एक मुद्दों को उठाए, चाहे बात की जाए तो इंदिरा गांधी के समय में चुनौती पेश करते हुए अगर देखा जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुरली मनोहर जोशी और वाजपेयी जी खुली तरफ से एक तरह से विपक्ष बन के उभरे, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी मेहनत की बदौलत आज भाजपा इस मुकाम पे है। जी, तो देश में जिस तरह से वर्चस्व बढ़ा है, एक समय ऐसा था जब बीजेपी के पास 2 ही सीटें थी और आज उनके जो सहयोगी दल हैं उनके पास भी सीटें हैं। जिस तरह से गठबंधन लगातार बीजेपी का बढ़ता जा रहा है, उनके नेता बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इससे, जिस तरह से बीजेपी बढ़ती जा रही है, और क्या अभी तक इतिहास में अभी तक किसी भी पार्टी के स्थापना दिवस की इस तरह से भव्यता से क्या जश्न मनाया गया है? जी, इसका साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो आने वाले समय है 6 अप्रैल से और 14 अप्रैल तक सुशासन दिवस के तौर पर, अब सेवा और सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं की मेहनत जो कि उनके तमाम अथक प्रयास जो वो मैदान में जाकर और साथ ही साथ हर एक चुनाव को उस लोकतांत्रिक प्रणाली को देखते हुए वो मना रहे हैं और लोकतंत्र के इस मतलब लोकतंत्र के इस त्योहार में हर एक मुमकिन प्रयास को करते हैं और साथ ही साथ अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हैं। साथ ही अगर देखी जाए तो तमाम पार्टियों की अगर तुलना की जाए तो भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और साथ ही उनके पास एक कार्यकर्ताओं की फौज है, उसका भी एक मंत्र देने के बाद आज इस नतीजे पे पहुंची हुई है। वही आपको बता दें कि जो देशभक्ति गीत है उसको गाते हुए शोभा यात्रा निकालेगी भारतीय जनता पार्टी और ये 42 साल के जो पूरे होने पर एक जो टोपी की राजनीति शुरू हुई, जिसमें लाल टोपी पीली टोपी तमाम पार्टियों की टोपी की राजनीति शुरू हुई थी, उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भगवा टोपी लॉन्च की गई है। और इसमें तो निश्चित तौर पे अपनी पार्टियों की नीति जनता तक पहुंचाने के लिए भी भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो समस्त सप्ताह सेवा सप्ताह की शुरुआत कर दी गई है जो कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चालू रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले हमलावर मुर्तजा के घर पर
बाहर एटीएस की टीम पहुंची। एटीएस अधिकारियों ने एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया है। एटीएस टीम ने मुर्तजा के घर के गेट पर ताला लगा दिया और ताला लगाकर अधिकारियों ने छानबीन शुरू कर दी। बता दें कि उसके घर से पकड़े गए शख्स को ले जाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस की टीम ने मुर्तजा के कमरे से तमाम संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए थे। एटीएस की टीम मुर्तजा के घर से एक संदिग्ध व्यक्ति समेत एक बैग भी साथ ले गई है। वहीं मुर्तजा के घर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो लगातार मुर्तजा के इर्द गिर्द कार्रवाई जारी है और यूपी एटीएस सख्ती के साथ छानबीन कर रही है और तेजी से जांच को आगे बढ़ा रही है। हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये घटना काफी संवेदनशील थी और जिस तरह से घटना कारित की गई थी, हम लोग किसी भी संभावना को नकार नहीं रहे। सर, बीते दिनों जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कहा गया था कि इससे जब पकड़ा गया तो इसके पास से कई चीजें बरामद हुई, तो कई आपत्तिजनक भी मटेरियल मिला था, लैपटॉप्स वगैरह भी थे। तो क्या अब तक लैपटॉप वगैरह की जाँच हो पाई है, कुछ पता चल पाया क्या? अभी एटीएस के कब्जे में वो लैपटॉप आ पाया है एफएसएल के पास? नहीं, वो तो ये विवेचना का प्रश्न है। जैसा बताया गया था, अब इन सभी चीज़ों का भौतिक और तकनीकी परीक्षण विशेषज्ञों एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा, ताकि सभी चीज़ें उसमें से निकाली जा सके और किसी कंक्लूजन पे पहुँच जा सके। सभी मोटिव बिहाइंड द क्राइम का कुछ पता चल पाया कि उस नहीं, ये अभी तक ये चीज़ें स्पष्ट रूप से कहना नहीं है, लेकिन जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं और जिस परिस्थिति में घटना हुई है, ये गंभीर घटना है और इसके पीछे कोई साजिश प्रतीत होती है। बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके गोरखपुर से। हिमांशु, गोरखपुर की इस घटना में क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से मुर्तजा के ऊपर पहले कार्रवाई की गई, अब एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? हिमांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो वहां संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। तो आपको बता दें कि पुलिस टीम ने मुर्तजा के कमरे से तमाम संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और एटीएस की टीम मुर्तजा के घर से एक संदिग्ध व्यक्ति समेत एक बैग भी साथ लेकर गई है। लगातार जांच जारी है यूपी एटीएस की और इस मामले को लेकर काफी तेजी से जांच करी जा रही है, क्योंकि एक ही आस्था से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर के बाहर की ये घटना बताई जा रही है और साथ ही साथ पुलिस कर्मियों पे, जो कि जनता की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उन पे हमला किया गया है और आतंकवादी गतिविधि से संलिप्त माना जा रहा है ये व्यक्ति, तो इसलिए भी कार्यवाही तेज। हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके गोरखपुर से। हिमांशु, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? जिस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, किस आधार पर पकड़ा गया है और क्या कुछ मामला है? बिल्कुल, हम बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाला उस युवक का जो है तलाशी लिया गया, उसका लैपटॉप लिया गया, उसके पास से गोरखनाथ मंदिर का नक्शा बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस जो है लगातार उससे पूछताछ करती रही। ऐसे मामले में इसका आतंकवादी संगठन से जुड़ाव लेकर के कहीं ना कहीं इसकी पूरी तरह से जांच की गई। एटीएस इसकी जानकारी अपने हाथ में ले ली, इसकी पूरी कार्रवाई अपने हाथ में ले ली और इसकी जाँच करने लगी। एटीएस के एसपी अभिषेक कुमार गोरखपुर पहुंच गए थे और उसके बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी, उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही थी। ऐसे में उसके घर से और युवक कमरे से जो है पूरी तरह से आपत्तिजनक कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं। गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी बरामद हुआ है। ऐसे में बता दें कि उसके पास से पाकिस्तान के आईएसआई का भी कुछ वीडियो बरामद हुआ है और साथ में कई संदिग्ध वीडियो बरामद हुए हैं, जिसके बाद उसके घर को सील कर दिया गया है। जी हिमांशु, संदिग्ध व्यक्ति के पास से एक बैग भी बरामद किया गया है, उस बैग में क्या कुछ संदिग्ध चीजें मिली है? उस युवक के पास से जो है पूरी तरह से उसका बैग में लैपटॉप था और कागज था, कुछ उसको इसके विषय में जानकारी ज्यादा तो नहीं दिया गया है एटीएस के द्वारा, लेकिन हाँ, वीडियो के विषय में बताया गया है कि जो वीडियो है वो पाकिस्तान के आईएसआई से रिलेटेड वीडियो है, जो युवक हमेशा देखा भी करता था। जी हिमांशु, यूपी एटीएस लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है। मुर्तजा के घर पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और किन एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही यूपी एटीएस? देखिए, युवक को, आरोपी युवक को जो है एटीएस लखनऊ ले जा चुकी है, वहां उसके दफ्तर में ही उससे पूछताछ होगी और इसको 7 दिन के रिमांड पे रखा गया है पुलिस के, और इसमें ही उससे पूछताछ होनी है और काफी कुछ खुलासे होने हैं जो सामने आने हैं। हालांकि इन लोगों ने काफी गुमराह करने की भी कोशिश की है। पुलिस का कहना है कि इनके पिता ने
और युवक ने गुमराह करने की कोशिश की है, जो मुंबई में अपना घर बता रहे थे कि अभी 2020 से आए हुए हैं, लेकिन इन्होंने 13 में ही घर बेच दिया था। तो ऐसे में इनका यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, अब्बासी हॉस्पिटल, ऐसे में काफी मामला तूल पकड़ता है, कहीं ना कहीं से इनका हमेशा जुड़ाव रहता ही है। तो ऐसे में इस युवक की जाँच जो है बहुत तेजी से तेज कर दी गई है। सिद्धार्थनगर और नेपाल का लिंक भी खोजा जा रहा है, सिद्धार्थनगर से हथियार जहाँ से लिया था उस युवक का भी पता चल चुका है, उस दुकानदार को भी उठा के एटीएस पूछताछ कर रही है। जी, मुर्तजा के बारे में अगर बात करी जाए तो क्या कुछ जानकारी है हिमांशु, वो कितना पढ़ा लिखा है और साथ ही साथ उसने जो हमला किया है उसके पीछे की क्या उसने अभी तक कोई वजह बताई है? देखिए, नवी मुंबई के डीवी कॉलेज से उसने हाई स्कूल इंटर किया, इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग किया और केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो केमिकल इंजीनियर के तौर पे प्राइवेट कंपनी में काम भी कर रहा था और कार्य छूट जाने के बाद से वो गोरखपुर में यहाँ पे आके सिविल लाइन जो यहाँ का पॉर्स एरिया है वहाँ पे ये रह रहा था, इसका आवास था, इसके पिता यहाँ पे रह रहे थे, उनका खुद का हॉस्पिटल भी है। ऐसे में काफी कुछ संदेह के घेरे में आता है कि वो अचानक ही जाता है युवक और नेपाल जाता है, नेपाल से आने के बाद सिद्धार्थनगर में रुकता है, वहां से एक धारदार हथियार खरीदता है और फिर आता है गोरखनाथ मंदिर में और अचानक ही जब रोका जाता है सुरक्षा कर्मियों द्वारा तो उन पर हमला कर दिया जाता है। जी, तो यूपी एटीएस लगातार जांच कर रही है, तो क्या अपराधी द्वारा कुछ जानकारी दी गई है, वजह बताई गई है हमले की? हिमांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यूपी एटीएस द्वारा जो है बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों का और आईएसआई का वीडियो देखता था, यूक्रेन का वीडियो देखता था और अन्य धार्मिक किताबें पढ़ता था, जिससे इसका जो है माइंड वॉश किया जा रहा था। जी, तो आखिर ये गोरखनाथ मंदिर क्यों ही चुना इसने हमले के लिए, वहां पे जो तैनात पुलिस फोर्स थी आखिर उन्हीं पे क्यों हमला किया गया? देखिए, इसका पूरा मकसद जो है वो गोरखनाथ मंदिर में जा करके हमला करना था, ऐसे में गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पे ये तुरंत हमलावर हो गया, क्योंकि इसके पास से धारदार हथियार था जो जांच में निकल गया, आगे जाने पे स्कैनर मशीन से भी इसको होके गुजरना पड़ता, तो ऐसे में ये तुरंत ही हमलावर हो गया और आम जनता को भी निशाना बनाने लगा। हालांकि आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि इसे पकड़ने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी और जनता ने इस पे जो है पब्लिक ने ईटा पथराव, वहां के दुकानदारों ने ईटा पथराव करके इसको किसी तरह से काबू में किया, पकड़ा, पुलिस इसको गिरफ्तार की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़े थे। तो गोरखपुर मंदिर पे जो हमला किया गया है, गोरखनाथ मंदिर पे जो हमला किया गया है सुरक्षा कर्मियों पे, उसको लेके अब ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। इस पे ये अपडेट सामने आया है कि एक और अपराधी को हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है, जांच लगातार जारी है और जो उस युवक को हिरासत में लिया गया उसके पास से भी संदिग्ध चीजें और दस्तावेज मिले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिसिन डिपार्टमेंट में एमबीबीएस छात्रों को पढ़ाई के दौरान टारगेट किया जा रहा था, जहां आपत्तिजनक पढ़ाई कराने का मामला सामने आया है और अब ये विवाद का रूप लेता जा रहा है। बता दें कि प्रोजेक्टर पर पढ़ाई के दौरान और धार्मिक देवी देवताओं, विवादित टिप्पणी और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया था। इस मामले में अब एक्शन लेते हुए एएमयू के प्रोफेसर जितेंद्र को निलंबित कर दिया गया है। ने कही है, उसकी वजह यह है कि ये हिस्टोरिकल चीज़ों को वो डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कुछ कोर्ट के डिस्कस जजमेंट्स को भी, मथुरा हीर के केस को और निर्भया केस को भी उन्होंने कॉन्टेक्चुअलाइज किया है, तो ये एक मसला है भी है। इसके बारे में पूरी तरीके से हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि क्लास रूम में जब कोई डिस्कशन होता है तो उसका इंटेंशन भी होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी होता है, तो अब ये इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट क्या है ये तो डॉक्टर जितेंद्र ही बता पाएंगे जब उनसे अब मुलाकात होगी। किस तरीके से कार्रवाई बनती है इसमें अगर ये पाया जाता है? नहीं, ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा मसला आता है तो इसमें मेरे ख्याल से वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब इसका नोट लेंगे और जो एज पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी जो चीज़ें बनेंगी उसके हिसाब से कार्रवाई भी होगी। इस संदर्भ में जानकारी की गई तो जानकारी में आया है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा फॉरेंसिक साइंस की क्लास लेते समय के द्वारा अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस तरह की कुछ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, जिससे धार्मिक भावना आहत होने के संदर्भ में एएमयू की तरफ से उन्हें 100 काज नोटिस जारी किया गया है और उन्हें अग्रिम 24 घंटे के अंदर अपना जवाब दाखिल करते हुए कार्रवाई करनी है तो निर्देशित किया गया है। क्या नाम है आपका और किस तरह की शिकायत लेके आए थे आज? मेरा नाम डॉक्टर निशित शर्मा है।
अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी पता लगा है कि किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के डिपार्टमेंट फॉरेंसिक मेडिसिन में एक असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा एक रेप का विषय होता है उसको पढ़ाते वक्त जो उदाहरण दिए गए हैं वो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्रदेव और अन्य हमारे जो हिंदू देवी देवताएँ हैं उनको लेकर अमर्यादित और अशोभनीय उदाहरण दिए गए हैं और वो इस प्रकार से हैं कि हम और आप उन पर चर्चा भी नहीं कर सकते। तो इस पूरे मामले में मेरी मांग ये है कि उस संबंधित शिक्षक पर मुकदमा दर्ज हो और ऐसा उदाहरण तय हो कि उस शिक्षक की अंतरात्मा कांप जाए। लेते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन जे एन मेडिकल कॉलेज में, उनको अंडर सस्पेंशन रख दिया टिल पेंडिंग इंक्वायरी और आगे का एक्शन अगर कोई होगा तो उनके जो जवाब आएंगे जो शो कॉज नोटिस इशू करा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने वो पर हम आपको बताते चले सर क्या क्या आरोप क्या था उनके ऊपर। देखिए हम आपको बताते कि जीरो टॉलरेंस है राइट अलीगढ़ मुस्लिम में और एक शैक्षणिक संस्था की एक जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि बच्चों के स्टूडेंट्स के एनर्जी को सिंक्रोनाइज करके। अलीगढ़ से संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़ चुके हैं। नितेश, एएमयू का जो ये मामला बताया जा रहा है, वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसके बाद अब लोगों के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है, आपत्तिजनक बयान देने की बात सामने आई है, पूरा मामला क्या है? मैं आपको बता दूं पूरा मामला अलीगढ़ के एएमयू का है और अगर बात कही जाए की छात्र द्वारा डॉक्टर निशान द्वारा बताया गया जानकारी देते हुए मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर द्वारा जितेंद्र द्वारा क्लास में हिंदू देवी देवताओं के लिए आपत्ति छात्र छात्राओं को आपत्तिजनक सिखाया जा रहा है जी। और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये काफी वायरल हो रहा है और देखी जाए तो हिंदू लोगों में बहुत ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और लगातार वायरल होने के बाद बहुत ज्यादा आकर्षित मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जी। अगर एक्शन लेने की बात कही जाए तो क्या कुछ अभी तक कहा गया है अधिकारियों द्वारा और लोग जो छात्र हैं लोग हैं उनके द्वारा क्या कुछ मांग की गई है एक्शन को लेके? अगर एक्शन की बात करी जाए तो इसको गंभीरता से लिया गया है और वहाँ के जो उसको डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सख्त कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी सुनील वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी प्रकरण को लेकर बीजेपी के जिला कार्यालय पर स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राम मिश्रा ने सस्पेंड आईएएस सुनील वर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए सपा की मानसिकता के चलते भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली जबकि समाजवादी पार्टी को दो सीट मिली, यानी कि भाजपा की सीट को हरवाने में कहीं ना कहीं जिला अधिकारी और सुनील वर्मा का पूरा हाथ था। देखो भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में योगी सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। उसी क्रम में जिलाधिकारी पे तमाम जिलाधिकारी औरैया पे तमाम शिकायतों की थी, उसकी एक हमारे यहाँ कमिश्नर आईजी दोनों लोग टीम बना के आए और यहाँ हमारे जनप्रतिनिधियों से हम सबसे सीधी वार्ता करके और उन्होंने यहाँ जिलाधिकारी और जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन सब की लिखित तौर पे सारी मतलब विवेचना की और उस विवेचना को सीएम साहब के यहाँ प्रेषित किया और उस प्रेशर पे 24 घंटे में सीएम साहब ने जिलाधिकारी को निलंबित कर दिया और विजिलेंस के जांच के द्वारा जो भी कानून के दायरे में भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा उसको योगी सरकार में यशस्वी मोदी जी की सरकार में बख्शा नहीं जाएगा वो कोई भी हो। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता जाहिद अख्तर जुड़ चुके हैं औरैया से। जाहिद, जिस तरह से जिलाधिकारी पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है किस तरह से देखते हैं? जी मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक सख्ती से कार्रवाई की गई, सुनील कुमार वर्मा जो सस्पेंड किए गए वही आज औरैया में बीजेपी कार्यालय में स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के श्री राम मिश्रा जी ने बताया कि जी जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा जी हैं आए दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ
कोई ना कोई काम आते हुए शिकायतें भी उनके खिलाफ मिलती थी। उन्होंने कई शिकायतें भी कर रखी थी, यहाँ रामचंद्र सांसद की बात किया, रामचंद्र कठेरा जी ने भी शिकायत कर रखी थी। उसी को लेकर द्वारा सरकार पुनः बनने पर जिलाधिकारी के खिलाफ आईजी व कमिश्नर द्वारा गोपनीय जांच की जाती है। जांच के बाद वो दोषी पाए जाते हैं, उसकी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ जी को दी जाती है और वहां से वो सस्पेंड किए जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता जाहिद अख्तर जुड़े थे औरैया से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।